हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही चल गया होगा, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ दो चीज़ें, जिसमें है मटके डेकोरेशन और व्रत के लिए स्पाइसी चटपटे आलू। देखिए तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं पहले अपनी मटकियाँ। तो यहाँ पर मैंने ली हैं छोटे साइज़ की मटकियाँ जो मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाती हैं, और यहाँ पर लिया है मैंने फैब्रिक कलर्स। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी कलर ले सकते हैं। ये है स्टिकी स्टोन्स। यहाँ पे मैंने फ्लावर और स्टार की शेप में लिए हैं कुंदन्स, तो रेड और ब्लू कलर में लिए हैं। कलरफुल पर्ल्स हैं और रंगीन मोती लिए हैं मैंने यहाँ पे। ये डायमंड शेप के मिरर्स हैं, आप छोटे या बड़ा साइज ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने बड़े साइज़ के बर्फी की शेप में शीशे लिए हैं। ये हैं गोटा टिक्कियाँ जो मार्केट में आसानी से मिल जाती हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं।
ये देखिए ट्रेडिशनल स्टाइल में हमारी मटकियाँ कितनी सुंदर लग रही हैं, रेडी हो गई हैं। तो बहुत ही इजी तरीके से नवरात्रि और दिवाली की डेकोरेशन कर सकते हैं। मेरे पास बर्थडे कैंडल्स रखी हुई थी तो ये मैंने मटकियों में लगाई हैं। कलरफुल मटकीज में कलरफुल कैंडल्स कितनी सुंदर लग रही हैं। आप चाहें तो इसमें इसके ऊपर दिया डेकोरेट करके भी रख सकते हैं, और नवरात्रों में या दिवाली के बाद आप इसे कैंडल होल्डर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा कैंडल होल्डर या डेकोरेटिव मटकीज रेडी हो गई हैं। चलिए अब बनाने स्टार्ट करते हैं हम अपने ब्रेड के आलू, जो मैंने थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में बनाए हैं। इसके लिए पहले मैं कढ़ाई में तेल डाल रही हूँ। जब तक तेल हमारा गर्म होगा मैं इंग्रेडिएंट्स दिखाती हूँ कि मैंने क्या लिए हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 आलू लिए हैं और 3 आलू हमारे हल्के से मैस्ड हैं। और यहाँ पर मैंने लिया है पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा, हरी मिर्च, 2 लौंग, लाल मिर्च, सेंधा नमक, व्रत वाला नमक और लाल मिर्च। यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज का टमाटर काट लिया है। तो तेल हमारा गर्म हो गया है, यहाँ पर मैंने आलू के पीसेस कर लिए हैं और ये आलू हमने ऐसे ही रहने दिए हैं। अब इस गर्म तेल में मैं सबसे पहले डालूंगी जीरा, उसके बाद मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च, 2 लौंग और हरी कटी हुई मिर्च। अब इसके बाद मैं सारे मसाले जो मैंने आपको दिखाए थे वो इसमें डाल दूंगी, और साथ ही डाल दूंगी टमाटर। और टमाटर हमारे गलने लग गए हैं और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ड्राई मिंट पाउडर। तो पुदीने की पत्तियों को मैंने सुखा लिया था और सुखा कर उसको हाथ से रफली क्रश करके डाल दिया है। अब इसमें मैंने आलू भी डाल दिए हैं क्योंकि हमने टमाटर को बिल्कुल गलने तक नहीं पकाना है। और अब आलू को अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे सारे मसाले आलूओं पर अच्छे से कोट हो जाएं। लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको हम पकाएंगे क्योंकि आलू तो हमारे ऑलरेडी उबले हुए हैं और हमने इसके मसालों की कोटिंग करनी है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा भी हम अपने आलूओं को पकाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा मैस्ड हो जाएंगे, बिल्कुल आलूओं का हलवा सा बन जाएगा। तो बस आलू हमारे रेडी हैं और यहाँ से मैंने 2 लौंग जो हैं वो निकाल ली हैं क्योंकि लौंग मुँह में आएगी तो अच्छी नहीं लगेंगी, इसका फ्लेवर इसमें आलूओं में आ गया अच्छे से। अब इन आलूओं को मैं बाउल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। तो ये हमारे मसाला आलू बनके बिल्कुल रेडी हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और पास ही लगे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आसानी से मिलते रहेंगे। मेरी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगी। आप इन आलूओं को दही, चटनी और ऊपर से अनार के फूलदाने डाल के सर्व कर सकते हैं। 10 मिनट में झटपट बन जाने वाले ये हमारे मसाला आलू खाने में बहुत ही टेस्टी है। मिलते हैं फिर कुछ ऐसी ही इजी और हेल्दी रेसिपीज़ के साथ। थैंक यू।